Yes. So now pineal gland, we will see pineal gland. Pineal gland. Right? ये pineal gland जो है, ये देखिए कहाँ पे पाया जाता है? ये at the site of कहाँ पे पाया जा रहा है? ब्रेन. हाँ, at the site of forebrain. At the site of forebrain कहेंगे हम. साइड ऑफ फोरब्रेन बैक साइड में है. और ये क्या करता है? सीक्रेट करता है मेलाटोनिन. क्या करता है? सीक्रेट मेलाटोनिन. ये सीक्रेट करता है सीक्रेट मेलाटोनिन. ये हार्मोन है सीक्रेट मेलाटोनिन. मेलाटोनिन मेलाटोनिन ये हार्मोन है. ये मेलाटोनिन जो है यही जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इसका इसका काम हम देखेंगे मेलाटोनिन का. कि ये जो है सबसे पहले हम सर्कैडियन रिदिम की बात करेंगे. सर्कैडियन रिदिम रिदिम यानी बायोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करता है. क्या करता है? बायोलॉजिकल साइकिल को ये रेगुलेट करता है. राइट. उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है. मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. हाँ, बॉडी टेम्परेचर. उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इसमें हम लोग कई एस्पेक्ट्स दूसरे दूसरे देखते हैं कि ये जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. साथ में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल एज वेल एज डिफेंस कैपेबिलिटीज और एज ऑस्मो रेगुलेशन. राइट. तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं. इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर के अलावा जो है ये क्या कर रहा है? ये जो है हाँ हम लोगों ने क्या कहा कि ये मेंटेन करता है मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन दैट इज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बैलेंस. उसके बाद मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन है एंड फैट है. तीनों के मेटाबॉलिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. और साथ में रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल. मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज. डिफेंस कैपेबिलिटीज तो जो है डिफेंस कैपेबिलिटीज हाँ देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट था मेलाटोनिन पिनियल ग्लैंड. हाँ, वो सर्कैडियन रिदम जो है ना 24 आवर साइकिल वेक एंड स्लीप साइकिल के लिए. वेक एंड स्लीप साइकिल के लिए वेक एंड स्लीप साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है. राइट. और यहां पे एक चीज और याद रखिए. इट इज एंटागोनिस्टिक टू एमएसएच. हाँ, मेलानोसाइटिस सोमेटिक हार्मोन जो हम लोग पढ़ रहे थे पार्स इंटरमीडिया में उसका ये एंटागोनिस्टिक काम करेगा. वहां पे सर्कैडियन रिदिम जो है ना वहां पे सर्कैडियन रिदिम नहीं कहेंगे. ठीक है ना. वहां पे सर्कैडियन रिदिम के लिए ये मेलाटोनिन रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. वहां पे पिगमेंटेशन बढ़ाता है. राइट. अच्छा, ये ऑस्मो रेगुलेशन भी मेंटेन करेगा. मेटाबॉलिज्म भी इंपॉर्टेंट है. मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलेट करता है. और हम जो ये भी देखेंगे कि डिफेंस कैपेबिलिटीज की बात करता है. तो ये हम लोगों ने पिनियल ग्लैंड देखा. उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? थायराइड ग्लैंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थायराइड ग्लैंड. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड इन आवर बॉडी. ठीक है. थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड जो है ये लार्जेस्ट आम ग्लैंड है. थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. इसका जो हार्मोनल सिक्रीशन है सीक्रेट हार्मोन हार्मोन्स हार्मोन्स हम इसके हार्मोन्स देखते हैं T3 एंड T4. T4 राइट. T3 एंड T4. T3 जो है देखिए T4 हम लोग लिखेंगे T4. राइट. T4 हाँ इसका फुल फॉर्म है टेट्राहेड्रो टेट्राहेड्रो आयोडो थायरोनिन.
थायरोनिन, इसके फॉर्मेशन के लिए आयोडीन का होना जरूरी है, आयोडीन का होना जरूरी है, और इसी को हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। हाँ, और इसी को हम क्या कहते हैं? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन ये कॉमन थायराइड हार्मोन हो, थायरोक्सिन, राइट। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं टी थ्री, इसे हम लोग बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन। ये दोनों हार्मोन मिल करके, हाँ दोनों हार्मोन मिल करके ये हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज को मेंटेन करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे थायराइड में कि ये आयोडीन के हेल्प से इसका फॉर्मेशन होता है, और अगर इसका हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा हो तो हम देखते हैं कि अगर ये स्पेशली फीमेल में ज्यादा एक्टिव है, ये हार्मोन ज्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, खास करके इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। जो फीटस का डेवलपमेंट है, वो जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिटार्डेड हो जाएंगे, मेंटल रिटार्डेंस होगा बच्चा, आईक्यू लो होगा बच्चे का, ठीक है ना। उसके बाद डिफनेस भी आएगा, क्या कहेंगे हम, म्यूटिज्म डिफनेस। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि बच्चा जो है, अगर ये हाइपोसिक्रेशन होगा तो इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, अगर आप देखते हैं फीमेल के केस में कि अगर इसका सिक्रेशन एडल्ट में, एडल्ट फीमेल में हो रहा है, तो ये ग्वाइटर का फॉर्मेशन करता है, हाइपो, और ये बच्चे में स्टंटेड ग्रोथ होगा, जिसको हम क्रेटिनिज्म भी कहते हैं, राइट, क्रेटिनिज्म भी कहते हैं, स्टंटेड ग्रोथ इन क्रेटिनिज्म। सो ये दोनों का मिला जुला हम एक्शन देखेंगे कि ये जो है इन प्रेगनेंसी, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी बेबी डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, बेबी डेवलपमेंट इज हैम्पर्ड, रिटार्डेड, लो आईक्यू, मेंटली रिटार्डेड कह सकते हैं। ये डिफ म्यूटिज्म कहेंगे, एक वर्ड आता है डिफ म्यूटिज्म। ये सारे मतलब एक्शन होने जा रहे हैं, ये हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेगनेंसी में। इन एडल्ट के केस में, यहां पे हम लोग देखते हैं ग्वाइटर का बनना। हाँ, यहां पे हम लोग एक चीज और देख रहे थे, यहां पे बेबी के केस में स्टंटेड ग्रोथ होता, जिसको स्टंटेड ग्रोथ भी होता, उसी को हम लोग क्रेटिनिज्म कह रहे हैं। क्या कहते हैं? क्रेटिनिज्म। ग्वाइटर जो है, आपने देखा कि ये एडल्ट के केस में ग्वाइटर हो रहा है। उसके बाद ये जो है, ये थायराइड ग्लैंड जो है ना, ये इन दोनों का जो मिला जुला एक्शन अगर हम देखें हम, तो मेंटेनिंग बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, राइट, इसके मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी बनना, पोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद अगर हम देखें इरिथ्रोपोइसिस के अलावा अगर देखें हम, तो ये ऑल्सो मेंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म एंड ऑल्सो मेंटेन ऑस्मोरेगुलेशन। फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो ये मेंटेन करता है, मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हाँ, तो ये T3 T4 इंपॉर्टेंट हार्मोन है। एक हार्मोन और इसमें हम लोग देखते हैं, जिसको थायरोकैल्सिटोनिन TCT कहते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन। हाँ, ये जो है थायरोकैल्सिटोनिन
कैल्सिटोनिन। ये जो है एक्चुअल में ये कैल्शियम आयन का लेवल जो है ब्लड के अंदर उसको घटाता है, डिक्रीजेस कैल्शियम आयन लेवल इन ब्लड। ये इसका काम है कि डिक्रीजेस कैल्शियम आयन इन ब्लड। और हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पैराथायराइड हार्मोन, जिससे ये मिल करके कैल्शियम आयन का मेंटेनेंस ब्लड के अंदर करता है। कैल्शियम आयन जो है मेंटेन किया जाता है ब्लड के अंदर ये थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिल करके। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे देखा कि रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम के लिए थायरोकैल्सिटोनिन है। अब हम लोग एक दूसरा हार्मोन देखने जा रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पैराथायरॉइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन जो है देखिए पैराथायरॉइड हार्मोन के बारे में हम कहें अगर पैराथायरॉइड हार्मोन की बात करें पैराथायरॉइड ग्लैंड रादर ग्लैंड तो इससे पहले हमने अभी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं किया। देख लें आप यहां पे, इसको आप याद रहेगा आपको होप सो। ये देखिए जो हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया ये जो पाइप है ट्रैकिया फ्रंटल पाइप राइट ट्रैकिया, यहां पे हम एक लैरिंग्स देखते हैं, बॉक्स है लैरिंग्स, और ये जो इसका पार्ट है साइड पार्ट एक्चुअल में ये ट्रैकिया है। ऐसे देखेंगे हम ऐसे राइट। तो ये ट्रैकिया के जो साइड में है ना यहां पे देखिए ऐसे ये था थाइमस, ये था थाइमस और ये बीच में कनेक्टेड होता है इस्थमस से। तो ये था थाइमस, ये सॉरी थायराइड, सॉरी थायराइड, ये थायराइड है, थायराइड है, ये आपस में एक कनेक्टेड है इस्थमस का रहता है इस्थमस हाँ ये कनेक्टेड है शीट है। इसी थायराइड के बैक साइड में हम टू पेयर्स पैराथायरॉइड पाते हैं। थायरॉइड क्या है? वन पेयर, हाँ लार्जेस्ट ग्लैंड था हमारे पास, इसमें हम लोग क्या पाते हैं? टू पेयर्स। ये क्या है? टू पेयर्स, पैराथायरॉइड जो है टू पेयर्स, टू पेयर्स मीन्स चार ही टू पेयर्स। उसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंस है आप देखेंगे ये क्या है कि इंक्रीजेस हाँ कैल्शियम आयन इन द ब्लड, कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, कैल्शियम आयन और लेवल इन द ब्लड, लेवल इन ब्लड, इन ब्लड। हाँ अब ये जो कैल्शियम आयन का जो लेवल बढ़ने जा रहा है इसके लिए ये इसके पास जो है ना ऑप्शन क्या है, ये कैसे कैल्शियम आयन के लेवल को बढ़ा सकता है? तो हम देखेंगे सबसे पहले कि आप सबसे पहले तो हम ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम थ्री पॉइंट्स वी विल डिस्कस कि फूड से जो है ना जो कैल्शियम आयन था वो एब्जॉर्ब किया जाएगा और लिया जाएगा फूड से और उसको ब्लड में डाला जाएगा, ठीक है ना। एब्जॉर्ब फ्रॉम फूड कैल्शियम इज टेकन फ्रॉम फूड। हाँ जो आपने खाना खाया उससे लिया गया। सेकेंड पॉइंट जो है हम देखेंगे कि ये कैल्शियम जो है ये रेनल टिब्यूल्स डिस्टल रेनल टिब्यूल से ये जो यूरिन के साथ जो कैल्शियम आयन निकल रहे थे रिलीज हो रहे थे उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन एट रेनल टिब्यूल डिस्टल रेनल टिब्यूल। तो यहां पे एब्जॉर्ब कर लिया गया, हाँ अब यूरिन में रिलीज नहीं हो रहा, कम हो रहा। एंड द थर्ड पॉइंट इज व्हाट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन कैन से कहता है कि
रिजॉर्प्शन किया जाएगा, रिजॉर्प्शन, हाँ रिजॉर्प्शन या डिसोल्यूशन कहेंगे हम, डिसोल्यूशन कहेंगे, यानी बोन को ब्रेक किया जाएगा, डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, बोन से निकाला जा रहा है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, बोन के जो सॉल्ट्स हैं कैल्शियम के सॉल्ट्स उससे हाँ ब्रेक करके उसको हाँ ब्लड में रिलीज किया जा रहा, जस्ट टू रेगुलेट और मेंटेन द ब्लड कैल्शियम आयन. सो सी नाउ थायरोकैल्सोटिनिन कैल्सिटोनिन हार्मोन टीसीटी हाँ रिलीज फ्रॉम थायरॉयड ग्लैंड एंड दिस पैराथायरॉयड हार्मोन्स पीटीएच. बोथ दिस हार्मोन्स हाँ एक्ट एंटागोनिस्टिकली बट रेगुलेट कैल्शियम आयन इन द ब्लड. ओके सो वी हैव सीन दिस पैराथायरॉयड हार्मोन्स एंड ग्लैंड. नाउ वी विल सी नेक्स्ट नेक्स्ट ग्लैंड इज व्हाट. थाइमस. हाँ नेक्स्ट हम लोग थाइमस देखेंगे. थाइमस, ये जो थाइमस है देखिए ये जो है ये लोकेटेड है कहां पे, हाँ हमारे स्टर्नम के जस्ट बैक साइड में और ये वेंट्रल सरफेस ऑफ ओर्टा हर्ट के ऊपर है. हाँ हर्ट पे अगर हम देखेंगे दरअसल इसको हम समझेंगे तो ये देखिए कि ये जो है हाँ एट हाँ ये जो ओर्टा पे ये क्या है ओर्टा ओर्टा पे ओर्टा हाँ एट एट वेंट्रल सरफेस ऑफ ओर्टा एट वेंट्रल सरफेस ऑफ साइड ऑफ ओर्टा एट वेंट्रल सरफेस सरफेस ऑफ ओर्टा 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 हाँ ओर्टा हमें याद रखना. थाइमस जो है ये जो हार्मोन रिलीज कर रहा है उसको हम थाइमोसिन कहते हैं. हार्मोन 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 इज कॉल्ड कॉल्ड एज थाइमोसिन. Thymosins, thymosins, right? ये thymosin का रोल क्या है? हाँ इसका जो रोल है हम देखते हैं इम्यून सिस्टम के लिए. इम्यून सिस्टम में ये जो हम लिम्फोसाइट्स देखते हैं, हाँ लिम्फोसाइट्स जो हम देखते हैं एक है लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स थाइमस में मैच्योर होता है और एक है ये बी लिम्फोसाइट्स जो बोन मैरो में होता है. तो टी लिम्फोसाइट्स दैट इज हाँ टी लिम्फोसाइट्स के लिए हम यहाँ पे देखेंगे थायमोसिन. थायमोसिन क्या कर रहा है? थायमोसिन जो है एक्टिवेट टी लिम्फोसाइट्स और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. हाँ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम इट इज हेल्पफुल इन थायमोसिन क्या इन द डेवलपमेंट ऑफ इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. सेल मीडिएटेड सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम इसी को हम क्या कह रहे हैं हाँ टी लिम्फोसाइट्स. टी लिम्फोसाइट्स और ये जो है ह्यूमरल इम्यून सिस्टम के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है. वहां पे हम देखते हैं ह्यूमरल हाँ also also responsible for humoral mediated जिसको हम मैं ये कहेंगे एंटीबॉडीज फॉर्मेशन. एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज बना करके बनाते राइट. तो ये जो है इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए हमने थायमोसिन को देखा. थायमोसिन जो है इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए काम आ रहा है राइट. उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं थैंक यू.